नेपाल के। ये आपको सीजनल प्लांट आपको 20 रुपए से स्टार्टिंग हो जाएगा, 100 रुपए के स्टार्टिंग से हमारे 4,000, 5,000, 6,000 जैसा भी आप ऑर्डर दोगे वैसे ऑल प्लांट मिलता है सारा। हाँ, वर्मी कंपोस्ट हो गया जो ऑर्गेनिक वाला होता है, केंचुए वाला। तरह से आपने तालाब बना रखा है कुछ रखे हैं जो कि दवाई छिड़कने के लिए होता है, क्योंकि कोई भी ठाकुर नर्सरी तुलवाला देहरादून देहरादून ये हमारा डाई है, डीएपी बोलते हैं जिसको। केमिकल वाला बहुत, ये वाला यूरिया है, ये हमारा हाइट बढ़ाने के काम में आता है। भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों कैसे आप सब लोग, आई होप कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों अभी मैं आया हूँ नर्सरी में, आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं बहुत प्यारे प्यारे फूल यहाँ पे खिले हैं और बहुत सुंदर ये इन्वायरमेंट लग रहा है, क्योंकि होता ही जहाँ पे फूल होते हैं इंसान का दिल वैसे ही खुश हो जाता है। तो अभी मैं आपको लेके आया हूँ नर्सरी में, तो मैं आपको इस नर्सरी को पूरा एक्सप्लोर करूँगा। ये बहुत बड़ी नर्सरी है, आई थिंक यहाँ पे मुझे ज़्यादा फ्लावर्स के ज़्यादा दिख रहे हैं, वेजिटेबल्स के भी होंगे, तो पूरा एक्सप्लोर करेंगे। आपको दिखाऊँगा कहाँ पर यह नर्सरी है और कैसे कैसे यहाँ से आप प्रोडक्ट ले सकते हैं, कौन कौन से फ्लावर यहाँ पर होते हैं। ठीक है, राइट। जैसा आप देख रहे हैं, ये देखिए इस तरह से उन्होंने लेन बनाई है पूरी ना फ्लावर्स की, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के फ्लावर्स। अभी मुझे इनका नाम पता नहीं, नाम पूछूंगा मैं इनका। और आप देख सकते हैं कितने लाइन पे उन्होंने लगाए, देखो 1, 2, 3, 4, 5 और अलग अलग प्रकार के फूल हैं। ये देखिए एक ये सूख चुका है इस तरह से। ये फ्लावर आप कमेंट करके बताइएगा क्या नाम है इस फ्लावर का, वैसे मैं अभी पूछूँ उनको। इधर भी इन्होंने पूरे लगाए देखिए, और ये नेचुरल बेल तो आप देखते हैं हर घर पे अक्सर लोग लगाते हैं इस बेल को, कितनी प्यारी लग रही है देखो। और ये नर्सरी आपका तुनवाला में ये नर्सरी है, देहरादून के तुनवाला में नर्सरी है, आप देख सकते हैं बहुत बड़ी नर्सरी है। देखो यहाँ से पूरे हट से इन्होंने बनाए इस तरह से। अभी भैया आए हैं, भैया भैया से ज़रा पूछते हैं, यहाँ पे आई थिंक काम करते हैं। क्या नाम भैया आपका? मुकेश। मुकेश भैया इधर आइए, बताइए कौन कौन से फ्लावर है ये, ये बताइए। ये गजनिया। गजनिया, अच्छा गजनिया, अच्छा कितने पीस पड़ता है ये तो बताएगा। वही बताएंगे। अच्छा डहेलिया, डहेलिया है ये, आपको ज़्यादा जानकारी नहीं भैया। और कहाँ के रहने वाले वैसे आप? हम नेपाल के रहने वाले। नेपाल के हैं, अच्छा कैसे होने लग रहे यार? नेपाल का बॉर्डर साइड का। बॉर्डर साइड के हो नेपाल के? अच्छा कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे 6 महीने से काम कर रहे हैं। 6 महीने काम कर रहे हो, पहले भी करा था काम ऐसे? नहीं पहले भी। अच्छा पहली बार कर रहे हो। अच्छा, और क्या क्या मिलता है यहाँ पे? यहाँ पे यही फूल वगैरह मिलेगा। सब्जी की भी है? सब्जी वगैरह नहीं, सब्जी की नहीं है। नहीं। ठीक ठीक। इस तरह से रोजेस की भी यहाँ पे काफ़ी सारे वेराइटीज हैं यहाँ पे, देखो ये वाइट रोज, पिंक, रेड और ऐसे बहुत सारे वैरायटीज़ यहाँ पे हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और मैं आपको एक और अच्छा एक बताता हूँ, यहाँ पे पूरा बुके सा लग रहा है ये, जो इस तरह से पॉली हाउसेस बनते हैं, पूरा नेट का इसको लगा रखा है यहाँ पे नेट का। ये देखिए तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, देखो कितना प्यारा लग रहा है ना ये। बहुत प्यारे फ्लावर है यार ये। और ये देखिए बोनसाई टाइप में हमने भी लगाते हैं ना, वो घर के अंदर लगाते हैं उस तरह से। ये देखिए दोस्तों इस तरह से हम यहाँ पे जा रहे हैं, और बहुत सारे यहाँ पे ना पॉली हाउसेस टाइप बनाए इन्होंने, और यहाँ पे मोस्ट ऑफ जो प्रोडक्ट्स हैं मतलब जो मिलते हैं यहाँ पे सब सब वही हैं, क्या बोलते हैं फ्लावर्स की ही है पूरी की पूरी। ये देखिए ये आगे हम नए उसमें यहाँ पे काम चल रहा है। सूरज कौन है भैया आप में से?
आप हो सूरज? अच्छा अच्छा अच्छा, उन्होंने भैया ने बोला ना सूरज जी को पता है कि पूरा फ्लावर्स के बारे में। अच्छा यहाँ पे काम चल रहा है भैया? हाँ जी हाँ जी। क्या लगा रहे हो? ये नाम तो नहीं पता है, क्या नाम है? अच्छा घास गुड़ाई कर रहे हैं मुझे लगता है। गुड़ाई। कहाँ के रहने वाले हो भैया? मैं तो नेपाल के रहने वाला है। अच्छा नेपाल के हैं। वो भैया? सलाई जिला। सलाई जिला? हाँ सलाई जिला। अच्छा 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 अच्छा। नेपाल में सरकार गिर गई है, क्या चल रहा है वहाँ पे आजकल? सरकार तो नहीं गिरा है, वो अति क्या है केपी ओली का है। हाँ वो समर्थन ले लिया था वापस है ना। हाँ हाँ। ये भैया कहाँ के हैं? बंगाल का। नेपाल? बंगाल। बंगाल, अरे बाबल दूर दूर के यहाँ पे सब। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे एक भैया, भैया क्या नाम आपका? सूरज। सूरज भैया, सूरज यहीं से? भैया यहीं से आप? देहरादून से? मैं ये यूपी बरेली से हूँ। अच्छा बरेली से यार। तो आप ये काम कब से कर रहे हैं? नर्सरी का हो गया 7-8 साल हो गया। 7-8 साल हो गया आपको? 7-8 साल हो गया। 7-8 साल हो गया। तो भैया ये जो नर्सरी का काम होता है ये मतलब क्या क्या जरूरी चीजें होती है इसमें, क्या क्या आप क्या सीखा मतलब इसमें आपने? इसमें मतलब ये होता है पौधे को कैसे उगाना है, कैसे ग्राफ्टिंग करना है। अच्छा। और मतलब कैसे क्या पानी कितने टाइम में डालना है, कौन सा पौधा कितना खाद कब चाहिए, कब क्या चाहिए, ये बहुत सारे काम होते हैं। बाकी सेलिंग वगैरह का हमारा ऑल मतलब ऑल इंडिया सप्लाई है। काफी चीजें होती है इसमें, एग्रीकल्चर का ये पूरा जो भी चीज है। तो भैया कौन कौन से फ्लावर आप उगाते हैं यहाँ पे? हमारे यहाँ पर ऑल सीजनली ज्यादा मिलेगा। सीजनल फ्लावर जैसे पिटोनिया, पेंजी, दायंतस, साल्विया, ये पौधों का नाम है। अच्छा, ये सारे सीजनल पौधे होते हैं। अच्छा, और बाकी हमारी नर्सरी में आपके लिए फलों के सारे पेड़ मिल जाएंगे। अच्छा, जैसे चीकू हो गया, आम हो गया, अमरूद है, नाशपाती है, पुलम है। अच्छा। हाँ ये सारी चीजें मिल जाएंगी। अच्छा, और जैसे इंडोर प्लांट में आपके लिए सैकुलेंट मिल जाएगा, कैक्टस मिल जाएगा। अच्छा। और ये एरिका पाम, पाम की सारी वैरायटियां मिल जाएंगी। अच्छा, एरिका पाम होता है, रेक्सोना पाम होता है। अच्छा। और जो झाड़ वाले पेड़ होते हैं जैसे आपका मोर पंखी हो गया, और ये मोर पंखी है, गोल्डन साइप्रस है, गोल्डन जूनिपर है, ये चीजें सारी हमारी नर्सरी में रहती हैं। अच्छा। और परमानेंट के भी रहते हैं, वो हम बाहर से लेके आते हैं, जैसे कलकत्ता हो गया, पुणे हो गया। अच्छा, वहाँ से रहता है। वहाँ से रहता है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा मैं थोड़ा टूर कराओगे यहाँ पे कौन कौन से फ्लावर क्या क्या है? आ जाइए जी, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये क्या है? इसको थाइम बोलते हैं, इसमें अजवाइन की जैसा खुशबू आता है। अच्छा, खुशबू के लिए होता है ये? हाँ ये थाइम है। थाइम जी। अच्छा अच्छा, ये इधर क्या है भैया? ये जैसे ये है, ये इसको इसका मैं अभी नाम भूल रखा हूँ। अच्छा। काफी वैरायटियां होती हैं, इसका नाम फ्लोरा रंडन है, ग्रीन फ्लोरा रंडन। अच्छा अच्छा। ये जो फ्लावर दिख रहा है ये उधर भी थे? ये कलांचू है। कलांचू? कलांचू बोलते हैं, इंडोर प्लांट है, ये बरामदे में चलता है आपका। अच्छा इंडोर प्लांट है, सीजनल होगा ये भी? नहीं ये परमानेंट ही रहता है। अच्छा, अच्छा। इसको जी जी बोलते हैं, अभी थोड़ा इसका कंडीशन सही नहीं हो रखा है। अच्छा, अभी इसको जी जी बोलते हैं। ये वाला डिफन है, ये भी इंडोर प्लांट है आपका। अच्छा इंडोर प्लांट है सारे? इंडोर सारे प्लांट है। अच्छा तो फ्रेंड्स ये सब इंडोर प्लांट्स हैं, इंडोर मतलब घर के अंदर इनको लगाते हैं, उनको इंडोर कहते हैं। ये बड़ा प्यारा लग रहा है, ये भी इंडोर? ये भी इसका नाम क्या है? ये इंडोर का, ये कैक्टस में वैरायटी आ जाता है, कांटों वाले जितना भी होता है कैक्टस में आ जाता है। अच्छा, कई तरह के होते हैं। अच्छा कांटों वाले कैक्टस में आ गए। ठीक ठीक ठीक। हाँ बहुत डिफरेंट वैरायटी है। ये क्या भैया? कलरिंग पत्ते वाला, इसको हाई पॉट्स बोलते हैं। हाई पॉट्स? अच्छा हाई पॉट्स। ये भी इंडोर ही है भैया? ये भी नहीं, ये आपका आउटडोर रहेगा। आउटडोर रहेगा? अच्छा 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 अच्छा। चलिए अब दूसरी लेन में चलते हैं। ये वाला आ गया सीजनल फ्लावर। सीजनल फ्लावर है, इसको अपोनिका बोलते हैं। अपोनिका बोलते हैं जी। अच्छा, ये आपके ठंडे एरिया में ज्यादा हो जाता है, जैसे भीमताल है, नैनीताल है। अच्छा, जगह तो ये उगता है, बाकी बिक्री तो आपका दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ये हर जगह होता है। ये प्राइमूला है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो वाला बिगोनिया है, ये इसमें फ्लावर आ रहा है। वो वाला बिगोनिया? बिगोनिया, बिगोनिया। हाँ ये भी ऑल सीजन ही रहता है। ऑल सीजन रहता है। ये सैक्लामेन है, ये वाला ये सैक्लामेन है। ये इंडोर आउटडोर दो वही है ना? आपका आउटडोर ही चलेगा, मतलब छाव बरामदे के साइड में। बरामदे के साइड में चलेगा। तो भैया और कौन कौन सी वैरायटी आपके पास? हमारे पास बहुत सारी हैं, जैसे ये हो गया पिडिल्ली पर। अच्छा। ये बूमलेट हो गया, इसके पत्ते जैसे ये लाल लाल आता है पूरा ये। अच्छा अच्छा। ये चीज पूरा लाल होगा आपका। अच्छा। ये बूमलेट हो गया, और ये पीस लिली का वैरायटी है, ये भी दिखा दीजिए, अलग टाइप का है, यूनिक वैरायटी है ये पीस लिली का। हाँ ये वाला कौन सा? बर्बीना, इसको बर्बीना बोलते हैं, ये वाला जो रेड में बर्बीना, इसमें 4-5 कलर आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये वाला परचुली का हो गया, ये देसी परचुली का। परचुली का? हाँ देसी परचुली का। अच्छा अच्छा। ये वाला स्वीट विलियम है। स्वीट विलियम? विलियम जी। अच्छा अच्छा। ये पिटोनिया आ गया, ये सारा पिटोनिया वहाँ भी प्लांट है। अच्छा। ये वाला आपका साल्विया आ गया। साल्विया सीजनली होता है, सीजन आता है, इसमें पर्पल आता है, मतलब सीजन मतलब बरसात के टाइम पे होता है क्या ये आपका?
ये उगने स्टार्ट हो जाता है आपका ये दीपावली से पहले। अच्छा। मतलब अक्टूबर से सितंबर से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। और सितंबर के बाद में ये आपका मई तक रहता है लास्ट। अच्छा। इसका जो सीजन रहता है मई तक लास्ट है, मई के बाद खत्म हो जाता है ये सारा। ये चीज है इसमें, उसको बोलते हैं हम सीजनल। जैसे डहलिया है। अच्छा। ये चीज सारा, ये पिटोनिया, ये आपका साल्विया, तो फिर दोबारा हो जाएगा नेक्स्ट टाइम। ये आपको नया प्लांट लगाना पड़ेगा। अच्छा, नया लगाना। एक बार में सस्ता भी आता है, जैसे 20 रुपए का एक प्लांट मिलता है हमारे यहाँ। हाँ, और जैसे ये लिलियम हो गया हमारा, ये वाला, ये ये भी आपका सीजनल रहता है। इसका जो बल्ब है वो आपका एक बार जैसे ये पौधा पूरा सूख जाएगा, उसके बाद में आप यहाँ से कट कर दो। अच्छा। कट करने के बाद में इसका बल्ब रहता है, जैसे अपना बल्ब रहता है, वो दोबारा जब इसका सीजन आता है अक्टूबर में, तो ये दोबारा उगना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। फिर इसमें 4-5 फूल खिलते हैं, फिर ये खत्म हो जाता है, फिर ऐसे ही चलता जाता है। चलता जाता है। ये तो अपना रोज है, ये तो हर कोई जानता है, तो रोज है। ये वाला हो गया कार्नेशन। ये कार्नेशन है, ये कार्नेशन है, ये परमानेंट प्लांट रहता है। इसको क्या बारिश से थोड़ा बचाना पड़ता है, जब ज्यादा बारिश होती है। हाँ। तो उससे बचाना पड़ता है, इससे बारिश से बचाना पड़ता है। ये वाला जो कार्नेशन प्लांट है, इसको बारिश से थोड़ा बचाना पड़ता है। अच्छा अच्छा, ये चीज है। अच्छा भैया, जैसे ये है, ये वाला हम बोलते हैं कलंडोला। कलंडोला सीजनली प्लांट है, ये आपका वही सितंबर से स्टार्ट हो जाता है और ये आपका मई में बिल्कुल लास्ट हो जाता है। मई में लास्ट हो जाता है, मई में लास्ट हो जाता है इसका। ये बेल आपने वैसे लगा रखी है फैंसी? ये आपको एक पेड़ लगाया है, इसका छोटा भी रहता है हमारे पास। हाँ। इसको हम बोलते हैं बिगोनिया बिनस्ता। बिगोनिया बिनस्ता। इसका आपको बारिश में ये फूल चला जाएगा पूरा, और ये आपका नवंबर से स्टार्ट हो जाता है आना। अच्छा, ये बिगोनिया बिनस्ता आपको हर जगह ही देखने को मिल जाएगा। अच्छा। ये वाला क्या था भैया, ये वाला जो दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं केल। केल जो गोभी का एक डिजाइन होता है, ये केल है। अच्छा, केल बोलते हैं इसको। केल वो डहेलिया है ना, उस दिख रहा है वो वाला डहेलिया। अच्छा भैया, अच्छा भैया यहाँ पे खड़े होने के बाद बीच में। तो फ्रेंड्स, अब आए हैं आउटडोर, जो मोस्ट ऑफ जो प्लांट्स होते हैं आउटडोर यूज किए जाते हैं, इस तरह से हैं, देख सकते हैं ये। आप देखते होंगे ज्यादा, इसको रेक्सोना पाम बोलते हैं, ये पाम का वैरायटी है। अच्छा, ये रेक्सोना पाम बोलते हैं इसको। ये क्या भैया, ये ऐसे दिख रहे हैं? ये मनी प्लांट है। अच्छा, ये मनी प्लांट है, इसको ऐसे करना पड़ता है। हाँ, और ये मोरपंखी है। ये मोरपंखी है, नाम बताओ। हाँ, इसको तो जानते हैं। ये अरेलिया है। अरेलिया, ये भी इंडोर सब ये आउटडोर रहेगा। अच्छा, ये आउटडोर रहेगा। ये अजेलिया है। अच्छा, ये क्रिसमस ट्री जिसको बोलते हैं। अच्छा अच्छा, ये वाला, ये इसका बड़ा है। अच्छा, ये क्रिसमस ट्री है जी, इसका, ये इसका बड़ा वाला है। अच्छा, और एरिका पाम है। वो एरिका पाम उधर भी था ना ये? हाँ। अच्छा अच्छा, ये आपका चाइना पाम हो गया, ये वाला, ये चाइना पाम हो गया। अच्छा अच्छा, ये इसका नाम अभी मेरे को इतना याद नहीं है। हाँ, है भी तो बहुत सारे, याद भी कैसे रहेंगे। जैसे ये आम हो गया, कौन से वाला, अमरपाली है। अच्छा, साल ही फल देता है। अच्छा, देखो दोस्तों, बोनसाई मतलब भैया बताएंगे बोनसाई का। हाँ भैया, जरा बोनसाई बताओ इसको। ये बोनसाई का, ये मतलब साल में दो बार ये आपका फल देगा, और गमले में लगा सकते हैं, ज्यादा स्पेस नहीं घेरेगा। इसमें स्पेस भी वाला नहीं है, 10 फीट हाइट होती है, ज्यादा नहीं। कितने फल दे देगा भैया ये आपका? एक में गमलो आप 10 किलो आम आ जाता है, एक आ जाता है एक पेड़ में। अच्छा अच्छा, ये अमरूद का है, ये अमरूद का हो गया। ये किस चीज का? ये वाला चंपा का है, ये लोरो पेंटेनियम। सही, चंपा, चंपा चमेली। हाँ। इसको बोलते हैं चंपा। चमेली अलग होती है, चंपा ये चंपा, चंपा वाला चंपा कई तरह का आता है। अच्छा। और ये वाला लोरो पेंटेनियम है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, ये आपका इधर हो गया, ये काली मिर्च है। अच्छा, काली मिर्च है। हाँ, ये काली मिर्च का है। अच्छा। जैसे ये लौंग का है, ये वाला, ये लौंग का है जी। इसमें तेज पत्ता भी है, ये उधर, ये तेज पत्ता है, पहली बार देख रहा हूँ मैं तेज पत्ता। ये माल्टा है। अच्छा, ये माल्टा है जी। ठीक, खत्म। ये जो ये वाला दिख रहा है, इसको करोटन बोलते हैं। ये करोटन का वैरायटी है, बेबी करोटन। बेबी करोटन। हाँ, ये वाला सफलेरा है। अच्छा, ये सफलेरा है। सफलेरा, ये इंडोर प्लांट रहता है। ये इंडोर प्लांट रहता है। ये आपको सीजनल प्लांट आपको 20 रुपए से स्टार्टिंग हो जाएगा। अच्छा, अगर ज्यादा क्वांटिटी में लोगे तो आपको 15 रुपए भी लग जाएगा। अच्छा। और जैसे परमानेंट प्लांट है वो हमारा 100 रुपए से स्टार्टिंग हो जाता है। 100 रुपए के स्टार्टिंग से हमारा 4,000, 5,000, 6,000 जैसा भी आप ऑर्डर दोगे। अच्छा। वैसा एक ही प्लांट पड़ जाएगा आपको। बोनसाई है, हर चीज का वैरायटी मिलेगा आपको। बोनसाई है। अच्छा। पाम का वैरायटी है, सीजनल में कोई सभी आपको ऑल प्लांट मिलता है यहाँ पर। हाँ, सब सस्ता, 20 से लेकर 6,000 तक। घास भी लगाना हमारा गार्डन का भी काम है। घास भी कैसी भी लगवानी है, कैसे भी, सब कुछ होता है हमारा। धूप घास जो होती है। अच्छा। हर तरह की आपको घास मिलेगी, हर तरह का डिजाइन में बनाना पड़ेगा। अच्छा। सब कुछ होता है हमारे पास यहाँ पर। तो ये जगह बता दो कहाँ पे आपका? ठाकुर नर्सरी है, ठाकुर नर्सरी तुनबाला। ठाकुर नर्सरी तुनबाला, देहरादून में। देहरादून में। भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, यहाँ पे एक तालाब इन्होंने बना रखा है, पौधों के लिए पानी बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। इस तरह से आपने तालाब बना रखा है। बहुत बड़ी नर्सरी है, ठाकुर नर्सरी करके नाम है इसका। बहुत बड़ी नर्सरी है तुनबाला में, आप देख सकते हैं। और हर प्रकार के पौधे यहाँ पे मिल रहे हैं, सैक्यूलेंट, कैक्टस, फ्लावर्स, फ्रूट्स,
वेजिटेबल्स हर प्रकार के प्लांट मतलब यहाँ पे अवेलेबल है। बॉक्सेस रखें जो कि दवाई छिड़कने के लिए होते हैं, क्योंकि कोई भी पौधे हों उन पर वायरस बैक्टीरिया या इंसेक्ट्स वगैरह लग जाते हैं, तो इस तरह से उन्होंने ये देखो बना रखे हैं ये करके। अच्छा भैया आप खाद कौन सी यूज करते हो? आप बर्मी कंपोस्ट हो गया जो ऑर्गेनिक वाला होता है, केंचुए वाला। केंचुए वाला कहाँ से लाते हो भैया आप? ये हमारा सहारनपुर से आता है, एक कंपनी है सहारनपुर में। किस नाम से? कामधेनु। कामधेनु उसी का खाद आता है यहाँ। ये वाला हमें एक बैग पड़ता है 29 रुपए। 29 रुपए का? 29 रुपए 50 पैसा पड़ता है। कितने किलो का होता है ये? 5 किलो का होता है। 5 किलो का 29 रुपए 50 पैसे का पड़ता है। अच्छा ये 5 किलो का बैग है ये? 10 किलो में जाता है ये? 10 किलो में आ जाता है। कामधेनु जीवन ये कितने का पड़ता है भैया? ये कामधेनु हमारे लिए पड़ता है 55 रुपए 50 पैसे। 55 रुपए 50 पैसे 10 किलो? हाँ 10 किलो का। ये हम यहाँ पर अपना सेल करते हैं 150 रुपए। अच्छा आप सेल भी करते हो जी? आपको 50 का पड़ता है, आप 150 का सेल करते हो जी? ये क्या चीज़ है? ये हमारा डाई है, डीएपी बोलते हैं जिसको। डीएपी? अच्छा अच्छा। ये केमिकल वाला? में केमिकल वाला बहुत अच्छा यूज होता है। आपका ग्रोथ नहीं है पौधों में। अच्छा। होता है यूरिया। तो अभी वर्मी कंपोस्ट भी डालते हो ना पौधों में? ये होता है यूरिया। ये यूरिया होता है? ये वाला यूरिया है, ये हमारा हाइट बढ़ाने के काम में आता है। अच्छा। एनपीके बाकी सारे मिनिमम। अच्छा अच्छा वाओ। अब इसका हम बीज बनाएंगे अभी, इसलिए ये बिक्री के लिए बंद कर दिया। इसका हम बीज बनाने स्टार्ट करेंगे। अच्छा इसका बीज बनाओगे? ये अभी फूल आ रहा है, फूल निकल जाएगा उसके बाद में यहाँ से इसका बीज निकलेगा ये। अच्छा। तो इसको निकाल के हम सुखाएंगे बढ़िया करके। अच्छा। तो कलर रहता है कलांचू है ये? हाँ, ये कलांचू है। जैसे ऑरेंज हो गया, वाइट हो गया, पिंक हो गया, रेड हो गया। अच्छा। तो कलांचू ये हमने छोटा सा पौध मंगाया था, इसका हम लोग कटिंग भी तैयार करते हैं। अच्छा। हाँ, कटिंग करके भी बनाते हैं वो आगे। कोलियस है? कोलियस है। ये भी आपको ईजी है बनाना, कटिंग करके बस यहाँ से कटिंग करो, यहाँ से कटिंग करो और इसको लगा दो, 8 दिन के अंदर अंदर इसमें जड़ आ जाती है। जड़ आ जाती है? जैसे ये जो हम बल्ब लगाते हैं इसका भी एक कारण होता है। अच्छा। क्या होता है जैसे डहलिया हो गया हमारा, कलांचू हो गया, इसको अगर हम रात को अगर लाइट देंगे तो उसमें क्या होता है कलियां नहीं आती है जल्दी। अच्छा। मतलब दिन का उसको आनंद लगता है कि दिन में मतलब कलियां नहीं उगती हैं। अच्छा, तो ये क्या होता है, ये पौधा भरा जाता है। अच्छा। पौधे को बढ़ता है, गुच्छे पौधा बनता है। अगर हम लाइट नहीं लगाएंगे तो एक सिंगल डंडी पे हमारा क्या होगा, ये कली सिंगल बन जाएगा। जैसे अभी ये हमारा पौधा ऐसा भर रखा है पूरा, तो अगर हम बल्ब नहीं लगाएंगे, ये लाइट नहीं देंगे रात को। अच्छा। तो ये ऐसा एक सिंगल पौधा आ जाएगा। अच्छा, ये भी है? फूल खिल जाएगा तो वो हमारा ग्रोथ नहीं करेगा। लाइट भी चाहिए? लाइट के लिए ग्रोथ करता है। जैसे ये हो गया आपका। तो फ्रेंड जैसे हमने आपको पूरे नर्सरी का विजिट कराया, यहाँ पे आपको फ्लावर्स मिलेंगे, वेजिटेबल्स मिलेंगे, सैकुलेंट मिलेंगे, हर प्रकार की वैरायटी यहाँ पे मिलेंगी, जो कि ठाकुर नर्सरी है तुनवाला में है। तो यहाँ पे आपको सूरज भाई मिलेंगे, इनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा नॉलेज इनको है, बहुत डीपी नॉलेज आपको देंगे प्रोडक्ट के बारे में, प्लांट के बारे में, खाद के बारे में, मेडिसिन के बारे में। तो आप इसे ज़रूर मिलिए, ठीक है? तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरे आज का ब्लॉग? अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो अपनी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो अपने इस पहाड़ी भाई यानी कि राजगौरव गैरवला भाई को प्लीज़ सपोर्ट करें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता की, जय देवभूमि और भारत माता की जय।